एक कथा आती है हमारे ब्रज के एक बहुत महान संत हुए उनकी। एक अवध में अयोध्या में एक महात्मा जी एक धर्मशाला में ठहरे, ये भी पूज्य पाद श्री रामायणी जी का भाव है। तो अवध में धर्मशाला में एक महात्मा जी ठहरे, तो एक धनी व्यक्ति उन महात्मा जी के कक्ष के कमरे के एकदम बाहर दूसरे कमरे में था। थोड़ा नास्तिक था, भगवान में उतना उसकी रुचि थी नहीं, धन था पर भक्ति नहीं थी। तो महात्मा जी का नियम था, संत जी सोने से पहले कीर्तन करते थे, हाथ में करताल लेके मजीरा लेके शाम को कीर्तन करते और प्रातःकाल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब जागते तब भी कीर्तन करते। अब ये उस कीर्तन को सुन के बड़ा नाराज होता, क्योंकि जब इसके सोने का समय होता तब महात्मा जी के झांझ मजीरा बज जाते, तो बड़ा परेशान। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। तो एक दिन गुस्से में आके बोला, क्या करते रहते हो आप? तो संत ने कहा, बेटा राम नाम है, राम जी का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो बोला, क्या ये भगवान में कौन है भगवान, क्या करता है भगवान? तो महात्मा जी बोले, भगवान सब कुछ करता है, वो कुछ भी करा दे, राजा को रंग, रंग को राजा, कुछ भी बना दे। तो ये बोला, हम कैसे मान ले कि कुछ भी करा देगा, मुझसे कुछ करवा के देखो। अरे मेरा मन नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, तुम्हारे भगवान में है मत कि मुझे खिला दे, जब मुझे खाना ही नहीं। तो महात्मा जी बोले, हाँ है हिम्मत। आज एक महात्मा अड़िग हो गया उसके सामने, कहा तो ठीक है चलो आज आपके भगवान की परीक्षा लेते, आज सुबह हो जाने दो, सुबह से लेकर 24 घंटे का समय तुम्हारे राम जी तुम्हारे भगवान के पास, अगर सचमुच तुम्हारा भगवान है तो मेरे ना चाहते हुए मुझे भोजन करा के दिखा दो, मैं मान जाऊं, और अगर मैंने भोजन नहीं किया तो आप ये झांझ मजीरा छोड़ के मेरी टोली में शामिल हो जाना, और अगर भगवान ने मुझे भोजन करा दिया मैं आपकी में शामिल हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, ठीक है पक्का मंजूर है। तो वो चला गया। अब महात्मा जी थोड़ा भगवान को रोते रोते याद कर रहे हैं कि हे प्रभु आपके भरोसे कह तो दिया हिम्मत से, पर रक्षा अब आप ही करोगे, बचाओगे आप ही, इज्जत अब आपको ही बचानी पड़ेगी। तो इस आदमी ने सेठ ने क्या सोचा कि काम करता हूँ जंगल में कहीं जाके पेड़ पे छुप के बैठ जाता हूँ, क्योंकि शहर में घर में रहूँगा तो कोई जबरन कहेगा खा लो खा लो, अब जंगल में रहूँगा तो कोई पूछेगा ही नहीं, तो जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर छुप के बैठ गया। अब वहाँ छुप करके बैठा था, तो वहीं जब वो छुपा बैठा था तो वहाँ कुछ व्यापारियों का एक पूरा झुंड जा रहा था, व्यापारियों का समूह वहाँ से निकल के जा रहा था। तो बीच रास्ते में व्यापारियों को भूख लगी, भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे उसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करने लगे। भोजन खोला ही था कि इतने में जोर जोर से घोड़ों के पांव की आवाज आई, तो व्यापारी समझ गए कि कुछ डाकू आ रहे हैं। तो जल्दबाजी में वो अपना सारा सामान तो जो उनके पास व्यापारी ने कमाया था वो तो लेके चले गए और भोजन वहीं छोड़ दिया। अब सब चोरों की डाकुओं की पूरी जो मंडली वो आई आई तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे भोजन रखा हुआ है, भूख लगी थी तो खाने के लिए हुए, तभी चोरों का जो मेन सरदार था वो बोला, रुको इसमें कुछ हो सकता है, इसमें किसी ने कुछ मिलाया होगा। कैसे पता चले मिलाया होगा? एक बोला, अगर देखो खाना एकदम अभी अभी ताजा ताजा लग रहा है, हो सकता मिलाने वाला भी कहीं यहीं कहीं छुपा हो, ढूंढो उसे। अब वो ऊपर सारी कहानी उसको सब समझ में आ रही थी, सब दिखाई दे रही थी। तो ढूंढते ढूंढते एक की नजर पड़ी कि कोई ऊपर बैठा है, उसने कहा, सरदार मिल गया देखो वो बैठा, उतारो इसे नीचे। तो बोले, नीचे आप? बोले, नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा। बोले, आता है कि हम तुझे कुछ गोली फोली मार के बुलाए, उतर नीचे। तो आ गया उतर के नीचे। अब डर के मारे कांप रहा है कि मत मारो। सरदार बोले, हम तुझे मार थोड़ी रहे, बस एक काम करना है। क्या? बोले, इस भोजन में जहर विष कुछ मिला है कि नहीं मिला ये चेक करना पड़ेगा, इसलिए काम कर तू खा।
तो बोला कि महाराज ये ही बस नहीं करूंगा, खाऊंगा ही नहीं। चोर बोले फिर तो पक्का इसी ने कुछ मिलाया है, खा नहीं तो गोली मारे। अब बेचारा या तो जान जाए या वृक्ष से उतरा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी, तब दशे सरदार बोला तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा। कैसे नहीं खाएगा, खानी पड़ेगी, अब मरता क्या नहीं करता। सो उसने थोड़ा सा रोटी का टूक लिया, खाया, और जैसे खाया तब उसको ये बात समझ में आई कि हाँ। और एक कहते हैं वही जो सेठ था, वही आगे चल करके एक बड़े महान महात्मा बने, संत मलूकदास, ब्रज के बड़े प्रसिद्ध संतों में से एक है। और उन्होंने कहा, ये लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तब समझ में आ गया कि अगर ये खिलाने पर आ जाए ना तो ये मार मार के भी खिलाएगा और तुम्हें खाना पड़ेगा।